हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं हेल्थ प्लस ऑफिशियल फार्मेसी। आई होप यू आर डूइंग वेल। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो में मैं बात करूँगा सीरम फेराइटिन टेस्ट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ सीरम फेराइटिन होता क्या है। फेराइटिन एक तरीके का प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी में आयरन को स्टोर करके रखता है। आयरन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स हैं बॉडी में एज अ मिनरल, जैसे कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, मायोग्लोबिन फॉर्मेशन, एनर्जेटिक फील करवाएगा आपको, आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, इंटेलेक्चुअल फंक्शन से डील करेगा, कॉग्निटिव फंक्शन को एनहांस करेगा, ब्रेन के जितने भी फंक्शंस हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है और उसका स्टोर होना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर कभी भी आयरन की कमी आए तो वो डायरेक्ट हमको बॉडी में मिल सके, ठीक है, तो फेराइटिन वो काम करता है। और अगर आपकी बॉडी में आयरन की हमको परसेंटेज हमें पता करनी कितने हैं तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं सीरम फेराइटिन टेस्ट, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है या फिर आयरन की मात्रा ज़्यादा है। एक्सेस आयरन भी बॉडी के लिए हार्मफुल है, कोई भी चीज़ एक्सेस में लो तो हार्मफुल ही है, इसलिए एक्सेस आयरन का एक नाम है आयरन ओवरलोड कहते हैं जिसको, हीमोक्रोमेटोसिस होता है एक डिसीज़ जिसमें आयरन जाके डिपॉजिट हो जाता है आपके जॉइंट्स में, आपके ब्रेन में, सॉफ्ट टिश्यूज़ में, सॉफ्ट ऑर्गन्स को डैमेज करता है वगैरह वगैरह। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं। ये कुछ कंडीशंस है जिसमें हम कि फेराइटिन लेवल थोड़ा अल्टरेशन हो जाता है, मतलब थोड़ा चेंज होता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि हमको कोई बीमारी है कि नहीं। जैसे कि एनीमिया है तो एनीमिया में फेराइटिन लेवल कम हो जाता है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कैंसर में बढ़ जाएगा, किडनी डिसीज़ है, हेपेटाइटिस है, एंजाइम डिसऑर्डर्स है। तो ये वाली कुछ कंडीशंस है जिसमें आपका फेराइटिन लेवल चेंज होता है, जिससे कि डॉक्टर्स पता लगाते हैं। फेराइटिन एक तरीके का इन्फ्लेमेटरी मार्कर भी है, ठीक है, अगर इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कुछ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, तो उसमें बढ़ जाता है फेराइटिन लेवल, तो उससे डॉक्टर्स पता लगाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं हाई और लो फेराइटिन के, देख सकते हैं आप लोग। हाई फेराइटिन में क्या होगा, आपके सिम्टम क्या आएंगे, जॉइंट पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, स्टमक पेन होगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, आपका वेट लॉस हो जाएगा अनएक्सप्लेन। और लो फेराइटिन के कंडीशंस क्या हैं, फटीग है, थकान आएगी, डिजीनेस, चक्कर आएंगे, हेडेक होगा, आपकी स्किन थोड़ी डार्क पड़ जाएगी, हमेशा आपको पेन होगा, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। अगर आपको नेचुरल चीज़ों से ठीक होना है, मतलब आयरन आपको कंज्यूम करना है, अगर आप डेफिशिएंसी है आपकी आयरन की, आयरन फेराइटिन एक ही है, मतलब आयरन को स्टोर कर रहा है, जितना ज़्यादा आप आयरन रिच फूड्स का कंज्यूम करेंगे तो आपको फेराइटिन लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, और अगर आपको टेबलेट के फॉर्म में लेना है तो आप ये फेराइटिन प्लस ले सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, नॉर्मल फेराइटिन लेवल मेल में रहता है 24 to 336 माइक्रोग्राम पर लीटर और फीमेल में रहता है 11 to 300 माइक्रोग्राम पर लीटर। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो फेराइटिन पे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो।